Kalam shunya se shikhotak. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय, कलम शून्य से शिखर तक। दोस्तों, आज है 4 फरवरी 2021 और आज की करंट अफेयर्स के सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, IB, यानी कि कोई भी एग्जाम हो, उसमें बहुत ही यूजफुल होगा। क्योंकि दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो NTPC का पेपर हो रहा है या और भी जितने पेपर हुए हैं, उसमें करंट अफेयर्स की कितनी वैल्यू है, कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं। इसलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स को इग्नोर मत कीजिए और पूरे ध्यान के साथ करंट अफेयर्स पढ़िए। जरूरी नहीं है कि हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे कहीं से भी पढ़े, लेकिन आप करंट अफेयर्स जरूर कलेक्ट करें अपने आगे वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। दोस्तों, आज के थॉट ऑफ द डे क्या है? ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ मेहनत करने वाले व्यक्ति को मंजिले पाने से कोई भी कठिनाइयां नहीं रोक सकती। यानी कि हम ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ मेहनत करेंगे तो रास्ते में आने वाली कोई भी कठिनाई, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हमें अपने मंजिल पाने से नहीं रोक सकती। ये है हमारे थॉट। इसीलिए दोस्तों, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें अपने टारगेट के लिए, क्योंकि आपको अपने आप में विश्वास रखना ही होगा कि हमें अपनी मंजिल पाना ही है किसी भी हाल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अभी 2 फरवरी को बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना कौन सा नंबर का बजट पेश किया है? यानी कि वित्त मंत्री पद पर रहते हुए ये निर्मला सीतारमण का कौन से नंबर का बजट है जो 2 फरवरी को पेश किया गया है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, पहला नंबर का, दूसरा, तीसरा या 5वें नंबर का है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी नंबर का, बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह तीसरा और दशक का पहला बजट है, पहला केंद्रीय बजट है, ये हुआ। और देखिए दोस्तों, ये जो निर्मला सीतारमण है, ये पहली महिला है जो ये वित्त मंत्री पद का पूर्णकालिक रूप से देखभाल की है। और देखिए दोस्तों, इस समय ये गवर्नर कौन है? गवर्नर जनरल इस समय हमारे गवर्नर जनरल है शक्तिकांत दास, ये गवर्नर जनरल है, चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी हाल ही में आदित्य बिरला समूह ने किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका चोपड़ा, बी है अनुष्का शर्मा, सी है दीपिका पादुकोण और ऑप्शन नंबर डी है शबाना आजमी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शबाना आजमी। अब इन्हें यह अवार्ड किस लिए दिया गया है? इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। देखिए, ये कौन है? ये पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री हैं, इन्हें यह अवार्ड गांधी जी के
गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि 30 जनवरी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं और अभिनेत्री भी हैं। इन्हें यह अवार्ड गांधी जी के 73वीं पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यहीं पे देखिए, यहीं पर एक संस्था है, किसकी है? कैफी आजमी की एक संस्था है। उसका नाम क्या है? मिजवा वेलफेयर सोसाइटी को कोरोना काल में साहसिक कार्य करने के लिए महात्मा अवार्ड। कौन सा अवार्ड? ये महात्मा अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें दो अवार्ड दिया गया है। एक कौन सा अवार्ड है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और दूसरा एक सोसाइटी है, यहीं पर दिया गया है। कौन सा? बिरला समूह द्वारा, ये कैफी आजमी की संस्था मिजवा वेलफेयर सोसाइटी को कोरोना काल में साहसिक कार्य करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये महात्मा अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों इसको याद रखना, इसमें दो अवार्ड कौन से हैं? एक संस्था को दिया गया और एक ये अभिनेत्री शबाना आजमी को दिया गया है। शबाना आजमी इस समय कहाँ पर है? इस समय लंदन में है। ये लंदन, इस समय लंदन में है शबाना आजमी। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, यूपी के नगर विकास मंत्री द्वारा कुल कितने शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की घोषणा की गई है? तो 4 ऑप्शन है, 14 शहरों में 700 बसें, 16 शहरों में 800 बसें, ऑप्शन नंबर सी 10 शहरों में 500 बसें, या ऑप्शन नंबर डी है 12 शहरों में 600 बसों का संचालन किया जाएगा इलेक्ट्रिक बसें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल 14 शहरों में 700 बसें चलाई जाएगी। इसकी घोषणा किया गया है नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन द्वारा ये इन्होंने घोषणा किया। अब देखिए, इन्होंने ये भी कहा है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग संख्या में बसें चलाई जाएगी, और जिसमें इसको मिनी इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग ये चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिससे कि बसों को दिन भर चार्ज किया जाए और जब वो चार्ज हो तो सारा दिन चले। इस प्रकार से क्या होगा, हमें ईंधन की बचत होगी, जो पेट्रोल डीजल है इन सब की बचत होगी। और देखिए दोस्तों, अब देखते हैं कि किस शहर में कितनी बसें चलेगी। लखनऊ, कानपुर, आगरा, इन तीन शहरों में 100-100 बसें चलेगी। गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, इन पांच शहरों में 50-50 बसें चलेगी इलेक्ट्रिक बसें।
और गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहाबाद और झांसी में 25-25 बसें चलेगी। इस प्रकार कुल कितने शहर हो गए, ये 14 शहर हो गए और टोटल 700 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। ये नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन जी ने इसके लिए घोषणा किया है कि अलग अलग शहरों में चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे परिवहन में जो इन्वायरमेंट प्रदूषण होता है उसकी भी, उसमें भी प्रदूषण भी कम होगा और प्लस पेट्रोल डीजल और जो ईंधन है उनकी भी बचत होगी। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ कौन से अत्याधुनिक युद्धक विमान के खरीद के लिए सौदा किया है जो कि जल्द ही इंडिया आने वाला है। तो कौन सा युद्धक विमान है जो कि अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक यानी बिल्कुल मॉडर्न है? तो देखिए सुखोई 30 है या मिराज 2000 है, ऑप्शन नंबर सी राफेल है या ऑप्शन नंबर डी F-15EX है। इन चारों में से कौन सा है जो कि हाल ही में वायुसेना को प्राप्त होने वाला है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी F-15EX ये है, जो कि अभी हाल ही में यानी अगले सप्ताह ही बंगलुरु में जो एक वो होने जा रहा है एयरो इंडिया प्रदर्शनी चल रही है उसमें इसे प्रदर्शन किया जाएगा। इसका जो F-15EX युद्धक विमान है यह बहुउद्देशी होने के साथ साथ हर मौसम में और रात में भी हमला करने में सक्षम है। तो ये क्योंकि ये अत्याधुनिक है। और देखिए बोइंग इंटरनेशनल सेल्स एवं इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप कंपनी के उपाध्यक्ष मारिया एच लैन ने बताया है कि अगले सप्ताह एयरो इंडिया 2021 में F-15X को विमान को प्रदर्शित किया जाएगा।